सो व्यूज, ये जो आप देख रहे हैं ये है अपनी किया सोनेट एसटीएक्स प्लस मॉडल है। और अगर आप इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लेना चाहते हैं तो दो हैं, वो है एक तो एसटीएक्स और दूसरा है एसटीके प्लस मॉडल। ये दो मॉडल आपको इसके सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेंगे। एंड करंटली आप जो ये मॉडल देख रहे हैं ये है एसटीएक्स प्लस। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इसका एक्शोरूम प्राइस बता दूँ जो कि है 12,50,000 एक्शोरूम, एंड इसका ऑन रोड प्राइस रहेगा 14,13,000। ये जो प्राइस बताया जा रहा है आपको ये है हिमाचल प्रदेश मंडी डीलरशिप का। वीडियो को अब आगे बढ़ाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये पेंट फिनिश की गई, ये है ग्लेशियर वाइट। साथ ही में इसमें आपको यहाँ पे मिल जाती है हार्ट बीट डे टाइम रनिंग लाइट विद इंटीग्रेटेड टर्न लाइट इंडिकेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइट्स है ना ये आपको LED में मिलती है, और ये इसकी जो ये लाइट्स हैं ये है मैट्रिक्स डिज़ाइन से इंस्पायर्ड, रात में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है आपको। और इसी के नीचे आप देख पाएंगे तो फॉग लैम्प, ये फॉग लैम्प आपको मिल जाता है हैलोजन बल्ब के साथ में, क्रोम फिनिश मिल जाती है। एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे तो पियानो फिनिश दी गई, यहाँ पे आप देख पाएंगे तो क्रोम फिनिश एंड किया का लोगो देखने मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है इसमें आपको 205 mm की। साइड में आ जाए तो साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूल टोन फिनिश के साथ में अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, तो रेयर में ड्रम ब्रेक्स दी गई है। फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है, तो रेयर में आपको मिल जाएगा टॉर्शन विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। साथ ही में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको MRF का टायर मिल जाता है, साथ में टायर साइज मिलता है 215/60R16 का 95 HK हाई स्पीड टायर्स मिल जाते हैं। वेंटिलेटेड फ्रंट डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं इसमें आपको। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो टर्न लाइट इंडिकेटर मिल जाएगा, ये इंडिकेटर आपको एसटीके प्लस मॉडल से देखने मिल जाएगा। यहाँ पे इसके ORVM के ऊपर साइड में क्रोम गार्निशिंग ये आपको एसटीके प्लस से देखने मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रूफ रेल, ऊपर आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा सनरूफ, तो रेयर में शार्क फिन एंटीना। साथ ही में इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस देखने मिलता है। साथ ही में इसमें आपको 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो म्यूजिक सिस्टम के साथ में स्पीकर वो बॉस के मिलते हैं, 6+ स्पीकर मिल जाते हैं जिसकी वजह से आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। एंड मैं यहाँ पर बात करूँ सीट्स की तो कम्प्लीट लेदर फिनिश के साथ में आती है। यहाँ पर आपको बेज एंड डार्क फिनिश के साथ में इसकी सीट्स देखने मिल जाएंगी। और यहाँ पे बात करूँ मैं लेगरूम स्पेस की तो देख सकते कुछ इतना लेगरूम स्पेस है। अगर मैं इसकी सीट को कंप्लीट बैकवर्ड कर दूँ ना तो अब कितना लेगरूम स्पेस मिल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं पीछे बैठ गया, सारी सीट पीछे कर दी गई। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 उंगली का गैप देखने मिल रहा है, साथ में यहाँ पे इमेजिन स्टोरेज की स्पेस मिल जाती है, तो ऊपर आपको मोबाइल फोन स्टोरेज की स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पे डोर पैनल की बात करें तो फ्रंट एंड रियर डोर पैनल में आपको सेम फिनिश देखने मिल जाएगी, जहाँ पे कि यहाँ पे लेदर फिनिश, साथ में ग्रैबिंग पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाता है, कर्टन्स मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट स्पीकर मिल जाएगा, वाटर होल्डर्स की स्पेस मिल जाती है। एंड मैं बात करूँ यहाँ पे हेडरूम स्पेस की ना तो देख सकते हैं कुछ इतना स्पेस मिल जाता है। मेरी हाइट जो है 6 फीट है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा हेडरूम स्पेस मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आर्म रेस्ट के ऊपर ना आपको कप होल्डर की स्पेस मिल जाती है, और यह आर्म रेस्ट ना एक पोजीशन पे जाके फिक्स हो जाता है। कुछ गाड़ी में ये चीज़ जो है नीचे तक चली जाती है तो वो लग्जरी जो है ना कहीं ख़राब हो जाती है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान देखने मिलेगा। गाड़ी के अंदर कंपनी ने यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखा हुआ है। हाइट एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाते हैं, साथ में पार्सल ट्रे के ऊपर आप थोड़ा बहुत सामान भी रख सकते हैं। कर्टन्स जो कि प्राइवेसी गाड़ी के अंदर इम्प्रूव करते हैं, साथ में अगर आप काफ़ी गर्म इलाके में रहते तो आप इसे जो है एक अपना सनशेड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो सनरूफ है ये अंदर जो एक व्हीकल के अंदर लग्जरी बढ़ा देता है। साथ ही में यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे AC वेंट्स दो, साथ ही में मोबाइल फ़ोन चार्जिंग की ऑप्शन, और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन स्टोरेज स्पेस, एयर प्योरीफायर भी मिल जाता है इस मॉडल में आपको, और ये जो ग्रैबिंग पॉइंट है ये सॉफ्ट क्लोजिंग फंक्शन के साथ में आता है। बूट यहाँ पे आप देख सकते हैं रूफ में जो लैंप है वो हैलोजन के साथ में आता है, जो कि फ्रंट एंड रियर में सेम दिया गया है। साथ में इसमें आपको SOS टोइंग एंड किया कनेक्ट का फीचर भी मिल जाता है। अब मैं बात करूँ रेयर एंड के बारे में, तो अब बात कर लेते हैं व्यूज के रेयर एंड के बारे में। रेयर एंड आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन देखने मिल जाएगा, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफॉगर वाइपर मिल जाता है, तो वॉशर यहाँ पर इसका क्लेवरली हाइड किया गया है। हाई माउंटेड स्टॉप लाइट मिल जाती है, साथ में एंटीना देखने मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, TGDI की बैजिंग मिल जाएगी अगर आप इसका टर्बो मॉडल लेते हैं। यहाँ पे जो है सिल्वर फिनिश मिल जाती है, साथ में यहाँ पे सीट प्लेट देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बता दी 205 mm की मिल जाती है।
बूट की बात करें तो बूट स्पेस मिल जाती है 392 लीटर्स की। साथ ही में यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट्स देख सकते हैं आप, और यहाँ पे जो लोडिंग एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा लो रखा गया, थोड़ा सा है पर आपको काफ़ी ज़्यादा लो देखने मिल जाएगा। एंड इसी के नीचे आपको इसका स्पेयर व्हील मिल जाएगा जो कि जिसके सेंटर में मिल जाते हैं आपको इसके जैक टूल्स। स्टील रिम के साथ में आता है, R15 का इसमें आपको टायर मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है इसके बूट के अंदर, यानी यहाँ पे देगा इसका सब बूफर। बूट लैंप भी मिल जाता है यहाँ तक इसकी बूट स्पेस, बूट लैंप आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ तक इसका बूट स्पेस है 392 लीटर्स का। और अगर आप इसकी पार्सल ट्रे रिमूव कर देते तो 400 लीटर से ज़्यादा बूट स्पेस मिलती है। एमरजेंसी एग्जिट के ऑप्शन है यहाँ पे दी गई है आपको। ड्राइवर साइड में ना आपको यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन यहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको IMT की बैजिंग देखने मिल जाती है। इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं, ड्राइवर डोर के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाती है लेदर फिनिश जो कि सभी डोर्स के ऊपर सेम दी गई है। साथ ही में यहाँ पे पावर डेक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ORVM के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और साथ में वन टच अप डाउन के साथ आप इसके ड्राइवर साइड की विंडो को ईजिली अप डाउन कर पाएंगे, और यहाँ पे इसके ORVM के कंट्रोल मिल जाएंगे। और इसका माइनर फ्यूज बॉक्स के बारे में बात करूँ ना तो यहाँ पे दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि गाड़ी तो ले लेते हैं पर ये चीज़ आप पता नहीं करते कि माइनर फ्यूज बॉक्स है कहाँ पे, और फालतू के पैसे दे देते हो हर किसी को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका टायर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपको शर्म आती किसी से पूछने में कि टायर प्रेशर कितना रखना है गाड़ी के टायर के ऊपर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके ड्राइवर साइड की सीट के बारे में। एंट्री एग्जिट काफ़ी ईजी है, मेरी हाइट 6 फीट है तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ड्राइवर साइड का जो सिटिंग पोस्ट है मेरे हिसाब से एडजस्ट है। साथ ही यहाँ पे बात करूँ तो ये देख सकते हैं आप इसके स्टेयरिंग व्हील को टिल्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। सोनेट की बैजिंग, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, काफ़ी लाइट वेट रहता है जब तक आप इसे 100 किलोमीटर से नीचे ड्राइव करेंगे, और जैसे आप ऊपर ले जाएंगे तो ये उस टाइम पर हैवी हो जाएगा। दूसरी बात करूँ तो यहाँ पर मिल जाते हैं इसके MID के कंट्रोल्स, तो इस तरफ मिल जाएंगे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका व्हीकल स्टेबिलिटी को कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का बटन, तो यहाँ पे इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का बटन मिल जाता है। अब मैं बात करूँ ड्राइवर साइड से तो यहाँ पे आप देख पाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल्स, तो दूसरी तरफ हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साथ ही MID कुछ इस तरह से, तो जैसे ही इग्निशन मोड में लाएंगे तो कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएगी, इंजन RPM, यहाँ पे फ्यूल लेवल, और यहाँ पे मिल जाता है इसका कूलेंट टेम्परेचर। यहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएगा, स्पीड यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहें ना तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे एवरेज दिखाएगा, फ्यूल इकोनॉमी, एक्यूमुलेटेड ड्राइव इन्फॉर्मेशन, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिल जाएगी। नेविगेशन में आप अपना कंपस, ड्राइव प्रेशर चेक कर सकते हैं, और उसी के साथ में यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका 10 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जिसमें कि आपको 3 डिफरेंट पार्ट्स देखने मिल जाएंगे। एंड इसके टच रिस्पॉन्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है, और साथ में आपका यहाँ पे नेविगेशन किया कनेक्ट USB के साथ म्यूज़िक प्ले करने की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पे आपको इसमें मूड लाइट भी मिल जाती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है, ब्लूटूथ को कनेक्ट करने का, ब्लूटूथ के साथ अपने मोबाइल फ़ोन को पेयर करने की ऑप्शन भी मिल जाएगी। साथ में सेटिंग में जाके आप इसमें अपने साउंड को भी एडजस्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पर जो इसके साउंड को ट्यून भी कर सकते हैं, बेस में ट्रिप चेंज कर पाएंगे, आप इसके थीम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का फंक्शन मिल जाएगा, DRBM भी मिल जाता है इसमें आपको, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी, साथ में मोबाइल फ़ोन स्टोरेज की स्पेस आपको ऊपर और नीचे देखने मिल जाएगी। यहाँ पे लैपटॉप चार्जर की ऑप्शन, तो यहाँ पे USB पॉइंट, फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती है, मोबाइल फ़ोन के लिए एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। तो यहाँ पे लेदर फिनिश देख पाएंगे, 6-स्पीड शिफ्ट का पैटर्न देखने मिल जाएगा इसमें, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर फिनिश, मोबाइल फ़ोन स्टोरेज की स्पेस, यहाँ पे 2 कप होल्डर की स्पेस, एयर प्योरीफायर लग जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको जो आर्म रेस्ट के नीचे जो है स्पेस थोड़ी कम देखने मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका IRBM ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ में आता है। साथ में यहाँ पे आप देख पाएंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होल्ड करने के लिए स्पेस, और साथ में इसमें आपको सनग्लास होल्डर की स्पेस यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पे आप इसके हेलोजन के साथ में देख सकते हैं रीडिंग लैंप्स, यहीं पे आपको सन वाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर मिल जाता है। अब मैं बात करूँगी इसमें सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो सेफ्टी फीचर्स के तौर पे इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS, EBD, BA, ESP, हिल होल्ड का फंक्शन मिल जाएगा। साथ ही में किया कनेक्ट का फीचर मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। और अगर आप अपने व्हीकल को
ट्रैक करना चाहे तो किया कनेक्ट फीचर के थ्रू आप अपने व्हीकल को ट्रैक भी कर सकते हैं। बाय चांस आपका व्हीकल चोरी हो जाता है तो उस टाइम पे आप ऐप के थ्रू अपने व्हीकल को इजीली बंद भी कर सकते हैं और किसी और को आपने ड्राइव करने के लिए दिया हुआ ना तो वो रैश ड्राइविंग कर रहा है या तो फिर प्यार से चला रहा है वो आप उस ऐप के थ्रू ही इजीली जान सकते हैं। उसी के ऊपर आपको पता चल जाएगा व्हीकल की करंट स्पीड, कितना फ्यूल अवेलेबल है, किस तरह से ड्राइवर जो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, हर एक चीज़ जान सकते हैं। करंट लोकेशन क्या है व्हीकल की वो भी जान पाएंगे। और मैं इसके एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लूँ जो कि है इसका IMT। IMT एक ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर है जिसमें कि आपको क्लच पैडल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लच तो रहता है पर उसे यूज़ करने वाला जो अपना कंप्यूटर बैठा हुआ है, एक एक्चुएटर लग जाता है जिसकी वजह से जो अपना जो क्लच वो ऑपरेट होता है। और उसमें अगर आप गियर चेंज करना चाहे तो भी आप यहाँ पे इसे ऐसे करके शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे सेंसर्स लगे हुए जो कि पता लगा लेते हैं कि आप कौन सा गियर डालने वाले, तो और उस टाइम पे जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली क्लच को दबा देता है और इजीली आप गियर जो शिफ्ट कर लेते हो। ये आपको क्लच लेस ड्राइविंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। साथ में अगर इसके ओवरहीटिंग के बारे में बात करूँ, पॉइंट के ऊपर बात करूँ, तो इसका ओवरहीटिंग होने का कारण सिर्फ एक है, आम लोगों की नेग्लिजेंसी। जैसे हम एक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ व्हीकल को न्यूट्रल में कर देते हैं फिर क्लच दबा के रखते हैं तो वो चीज़ गाड़ी को नहीं पता होती है कि आपने किस हिसाब से कहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, ट्रैफिक में खड़ी की है या फिर आपने रेड लाइट पे खड़ी की है। IMT का सिर्फ काम है कि क्लच को एक प्रॉपर तरीके से रिलीज़ करना ताकि आप इजीली व्हीकल को ड्राइव कर सकें। कुछ लोगों को क्लच रिलीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है और ये चीज़ आपको हिल स्टेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और आपको जो ओवरहीट होता है उसका रीज़न है कि आप फर्स्ट गियर में ट्रैफिक में जो है ब्रेक लगा के खड़े हो आधे घंटे तक, पौने घंटे तक, और उसकी वजह से जो है क्लच आपका ओवरहीट हो गया और साथ में उसका सेंसर भी, तो वो उस टाइम पे वार्निंग दे देता कि भाई अपनी गाड़ी को साइड में लगा लो और थोड़ी देर के लिए कूल डाउन कर लो अपने सिस्टम को। तो ये वो हमारी गलती की वजह से जो इसका IMT जो वो गर्म होता है, बाकी इसमें कोई इशू नहीं आता है। बाकी आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं इसे हिल स्टेशन पे बिना किसी परेशानी के, आप ब्रेक अप्लाई करते टाइम पे गियर भी चेंज कर सकते हैं। का ऑलमोस्ट अराउंड 50,000 से ज़्यादा व्हीकल जो किए ना आज दिन तक बेच दिए हैं और अब तो सेल्टॉस में भी IMT आने वाला है, तो इन्होंने कंप्लीट रिसर्च कर ली है, उसी के बाद ही अब IMT को सारी गाड़ी में ला रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं TGDI की बैजिंग मिल जाती है, साथ ही में टर्बो भी लिखा हुआ मिल जाता है इसके इंजन बे के ऊपर। 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो 4 पेट्रोल इंजन है, मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 118 BHP की एंड टॉर्क जनरेट करता है 172 NM का। और इसमें आपको जो गियर बॉक्स मिल जाता है वो है 6 स्पीड IMT 18-20 किलोमीटर पर लीटर की आपको हाईवे के ऊपर माइलेज देगा। और अगर आप सिटी में ड्राइव करेंगे तो उस टाइम पे आपको रैश ड्राइविंग करेंगे तो 11 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देगा और आप नॉर्मली ड्राइव करेंगे तो 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देगा व्हीकल आपको। वारंटी मिल जाती है 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की, साथ ही में इसमें आपको 5 ईयर्स का एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन भी मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका मेजर फ्यूज बॉक्स मिल जाएगा, कूलेंट टैंक आपको इसका जो है यहाँ पे देखने मिल जाएगा, तो साथ ही में विंडशील वॉशर फ्यूल टैंक है यहाँ पे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ब्रेक फ्यूल टैंक और इसकी फायर वॉल के ऊपर काफ़ी अच्छी नॉइज कैंसिलेशन डैम्पिंग मिल जाती है। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।